या इनिंग्स आ? तर कारण की ज्या प्रकारे विश्लेषण करायचं झालं की ह्या मॅच अखोद एक हाल मात्र आपल्यापर्यंत घेऊन जरूर जोडते. मात्र जाऊया आपण डीजेकडे, गाणं ऐकूया आणि मॅच मध्ये कमबॅक करूया. विश्लेषण करायचं झालं तिथे रॉयल मराठा टीमने नाणेफेकी जिंकली. नाणेफेकी जिंकल्यानंतर गोलंदाजी स्वीकारली. तर आलेल्या सगळ्या खेळांचं, प्रेक्षकांचं, मान्यवरांचं, सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आपण करतोय. रामरती देवी स्मृती चषक 2024 विश्लेषण करायचं झालं ना तर आज या स्पर्धेचा फायनल डे आणि फायनल डेमध्ये आपल्याला या स्पर्धेचे मुख्य प्रायोजक, या स्पर्धेचे मुख्य स्पॉन्सर्स सन्माननीय मुनीशजी ठाकूर साहेब आपण पाहिलं, कुणालजी ठाकूर साहेब, त्यानंतर दीपकजी ठाकूर साहेब आणि संपूर्ण ठाकूर परिवार मात्र या स्पर्धेला संध्याकाळच्या 17 नक्कीच उपस्थिती लावणार आहे. कारण की आपण सातत्याने आपण पाहिले त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी प्रायोजक मात्र आपल्याला जरूर पाहायला मिळते आणि नक्कीच ते संध्याकाळच्या 17 येताना पाहायला मिळते. चला मैदानाच्या आतमध्ये आपण जाऊया. दोन पंच ऑनफील्ड अंपायरचं विश्लेषण करायचं झालं
तर त्यांच्याकडे आपण नजर टाकली आहे ना, तर ईश्वरजी माची मॅनट्रम बाईंदर त्यांच्या समवेत आपण बघितलं ना, तर विशालजी नाईक सर आपण बघितलं, दोन अनुभवी पाहिजे आपण पाहिलं, ते आज या स्पर्धेमध्ये आज अंपायरचा रोल खूप चांगला आणि योग्य रीतीने करत असताना पाहायला मिळत आहे. कारण की पहिले तीन दिवस आपण बघितलं ज्याने अंपायरिंग केली या स्पर्धेमध्ये, विश्लेषण करायचं झालं तर ज्यामध्ये विरलजी नायर सर पाहायला मिळाले, त्यानंतर आशुतोषजी व्यवहारेकर सर होते, हां मी रिक्वेस्ट करतोय व्हाईट कलरची जी वॅगनर आता पार्क करतायत ना, समोर पार्क नका करू प्लीज, कॅमेरामॅनच्या मागे ती वॅगनर गाडी थोडी पुढे पार्क करा. चला मैदानाच्या मध्ये आपण बघितलं तर खेळाडू आलेत, फलंदाज आलेत, फंस आलेत, माता देर किस बात की, चलो हो जाय. आणि तेच बोलते की क्षेत्ररक्षण सेट करा, फील्ड सेट करा मित्रांनो. एक मिनिटात फिल्डिंग लागली नाही तर पेनल्टी दिली जाईल. आता काउंटडाऊन येतं, आम्ही इथे टायमर लावला, एक मिनिटामध्ये फिल्डिंग सेट झाली पाहिजे. आयोजकांच्या भूमिकेत आपण बघितलं तर पशुमात्रा स्पोर्ट्स बांदरपाडा संघ आपण बघितलं आजच्या दिवसामध्ये भरपूर सक्त आहे, कारण की त्यांना सुद्धा माहिती आहे, कारण की आजचा दिवसाचं महत्त्व, इतके दिवस केलेली मेहनत, इतके दिवस घेतलेले परिश्रम, आज त्या मेहनतीचं फळ मात्र आपण बघितलं तर योग्य आणि ते गोड फळ मिळावं आणि हीच अपेक्षा आहे. चला कॉपरेट करतात, सहकार्य करतात, धन्यवाद. तर आता फील्ड सेट करा. ओपनिंग जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले आहे. शेवटची वॉर्निंग आहे. नाही आता मात्र आयोजक हे सांगतात आम्ही कोणासाठी थांबणार नाही आहेत, नाहीतर तुम्ही पॅनल्टी का एकतर नाहीतर मॅच चालू करा. चला राहुल साठी नक्कीच मला वाटते वाट पाहिली जाते. मग तर चला आयोजक आम्हाला सांगतायत आता एक शॉट खेळवा, एक शॉट खेळवा आणि मॅच चालू करा, नाहीतर पेनल्टी घ्या. चला पंच आणि ज्या दोन खेळांची वाट पाहत होती आणि ते चाले आहेत. तर चला जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये आणि ज्या प्रकारे रवी तरी ते रवी गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहिला, एक तेज तर्रार गतीचा बादशाह, रफ्तारचा बादशाह आपण पाहिला ज्याच्याकडे, रवी बुंबक आपण बघितला ज्याच्याकडे, एक्सप्रेस टाणा एक्सप्रेस म्हणून ज्याची ओळख, ज्याची ख्याती आपल्याला पाहायला मिळते, तो गोलंदाज समोर फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. अक्षय सोनी आणि गणेश. चला पहिल्या दोन षटकामध्ये नक्कीच आपल्यापर्यंत येतोय, उर्वरित दोन षटकामध्ये आपण बघितलं की आणखीन एक कमेंटेटर इथे आहेत आणि नक्कीच जयवंतदादांनी सांगितले की कडू यांना सुद्धा आपण दोन षटकामध्ये आपण ऐकणार आहोत. पहिला बॉल पहिला आपण ते सरदार नक्कीच हाताळला जातोय आणि या क्षणाला आपण बघितलं की रफ्तारचा बादशाह म्हणून रवी बुंबककडे नेहमी सातत्याने पाहिलं जात आहे. मग वर्तक नगरचा संघ आपण पाहिला तर वन साईड वर्तक नगर संघ असो की नक्कीच अनेक ठिकाणी आपण पाहू शकतो की ज्या नावाने खेळताना पाहायला मिळतोय, जिथे जिथे आपण बघितलं ना की रवी खेळायला लागेल, म्हणजे रवीचं विश्लेषण करायचं झालं ना तर अख्खा महाराष्ट्राचं भ्रमण करतोय आणि तोच गोलंदाज आपण पाहिला तर बॉलिंग ट्रॅकवर गती होती. मात्र यावेळेला पाहतोय आपण अतिशय चांगला फटका, पॉइंटच्या डोक्यावरून आपण पाहिला हा फटका खेळला गेला होता, मात्र क्षेत्ररक्षण पाहिलं आपण झालं, चेंडूला फील्ड केला होता, कमजोर थ्रो झाला होता, त्याचा फायदा मात्र आपण पाहतोय की इथे नक्कीच
वेळेला विश्लेषण करायचं झालं इथे की बाउन्सर चेंडू हाताळला गेला होता. सुरुवात पाहिली आपण की दोन नेत आले. पहिला बॉल जरी आपण पाहिलं की हा डॉट होता, त्यानंतर दोनने सुरुवात झाली आहे. विश्लेषण करायचं झालं तर अक्षय सोहन या खेळाडूचं, अक्षयकडे आपण पाहू शकतो बिग हिटिंगची तितकी क्षमता आहे. आणखी आपण बघू शकतो मॅसिव्ह हिट त्याच्या बॅटमधून आपल्याला कदाचित पाहायला मिळू शकतात या मॅचमध्ये. आणि चर्चा केली आणि चर्चे पे हा पर्चा पाहिला आपण, मोठा फटका चाललाय बाउंड्री लाईनच्या दिशेने एका टप्प्याने चेंडू सीमापार आणि हाला चौकार. नक्की सहजासहज लगेच आपण पाहू शकतोय की फलंदाजीमध्ये कशा पद्धतीचा खेळ करू शकतो हे दर्शवू शकतो. आणि त्याने दर्शवलं गेलं की चौकार लागावं लागेल रवीवर आक्रमण. मात्र पलटवार करेल का रवी? रवीकडे आपण बघितलं अतिशय चांगला बाउन्सर आहे, त्याच्याकडे आपण पाहू शकतोय चांगला यॉर्कर आहे, त्याच्याकडे आपण बघितलं हर एक प्रकारचा चेंडू आहे. आणि पाहूया आता कोणता चेंडू वापरेल. हो यावेळेस पाहिलं आपण की गुडलँड स्पॉटवर गतीवर विश्वास ठेवला आणि ही ताकद आहे या खेळाडूची. सातत्याने आपण पाहू शकतो ज्याच्यासाठी ओळखला जाणारा खेळाडू म्हणजेच आपण पाहिलं तर गती, आणि ती गती मात्र प्रदान केली या डॉट चेंडू पाहायला मिळतोय. चौकार पडल्यानंतर पुनरागमन रवीचं होताना पाहायला मिळतोय. अक्षय चांगल्या टचमध्ये आहे, हा टॅप केलाय. पाहिला आपण लॉंग ऑफ आपण पाहिला, पुढे आला होता मिड ऑफला होता, मात्र शतरक्षक मात्र लॉंगांचा शतरक्षक पुढे आला. सिंगल मात्र मिळते. कुठेतरी आपण पाहिलं की रवीच्या विरोधात आपण पाहू शकतो जे मनासारखे शॉट खेळायचे आहेत ना ते खेळता येणार नाही आहेत. कारण की तो तुम्हाला ज्या दिशेने तुम्हाला जायचं त्या दिशेमध्ये सहजासहज जाऊ देणार नाही आहे. षटकाचा जर विचार केला तर पाच चेंडू हा शेवटचा चेंडू असेल या षटकामध्ये. खोल टप्प्याचा चेंडू पाहिला आपण, ड्राईव्ह केला जात आहे कव्हरला. शतरक्षक आहे, सिंगल धाव मात्र मिळते. सिंगलने धावसंख्या पाहिली आपण पोहोचली ती म्हणजेच आठच्या घरामध्ये. पहिल्या षटकाची झाली आहे समाप्ती. पहिल्या षटकामध्ये रवीचे आलेले एकोणतरीत बिनबाद आठ. सुरुवात आपण बघितली की जॉश इलेव्हन या टीमला मिळते आहे एकोणतरीत आठची आठ. आणि कोणाला मिळेल या मॅचमध्ये विजयाची वाट पाहूया येणाऱ्या दुसऱ्या षटकामध्ये. जाऊ प्रेक्षकांचं मान्यवरचं सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. ज्या परिणाम म्हटलं जाते ना की कॅमेऱ्यात लेन्स आणि माणसाकडे सेन्स असला ना तर जवळचं आणि लांबचं सर्व काही नीट आणि व्यवस्थित दिसत आहे. यावेळी आपण अगदी जवळून बघितलं गेलं ना की रवीचं जे षटक होतं ना ते म्हणजेच आपण बघितलं तर आठ धावांचं, मात्र थोडंसं लांबून बघितलं ना तर चार षटकामध्ये आपण पाहू शकतो की एक चांगल्या स्थितीमध्ये जायचं आहे. तर लांबून पाहिलं आपण तर आठ धावांची सुरुवात थोडासा विचार करावा लागेल, मात्र या आठची धीमी सुरुवात झाली आहे. मात्र आपण बघितलं की संत आणि सावध सुरुवातीला वेग मात्र योग्य त्या वेळेला मिळेल का दुसऱ्या षटकामध्ये. किरण कटचा फटका पाहिला आपण, पॉइंटच्या डोक्यावरून चेंडूने दिशा बदलली आहे. चेंडू अडला जातोय मात्र धावा घेण्याची संधी मिळेल जरूर आपण पाहतोय. कारण की तिथे पडद्याला चेंडू अडला गेलाय, नक्कीच अडला गेला तर धावा कम्प्लीट करायच्या आणि तेच पाहावं लागेल. आणि ते दोन धावा मिळतात ज्याप्रमाणे आपण पाहिलं ना की दोन धावा इथे मिळत आहेत. आपण पहिल्या गणेशच्या बॅटमधून गणेशने सुरुवात केली आहे. जास्त असतं आपण बघितलं की बॅकफूटला चांगल्या पद्धतीने खेळू शकतो ह्या गणेश त्याने दर्शवून दिला गेलाय. आता यावेळेला आपण पाहिलं की ऑफला खेळायचं होतं, कव्हरला गेला चेंडू मात्र मिस टाईम झाला. झेल निर्माण झाली आहे आणि ती झेल मात्र कलेक्ट केली आहे. पहिला धक्का पहिला विकेटचा पतन होताना पाहायला मिळते जॉश इलेव्हन नवघर या टीमला. आपण पाहिलं तर गणेशला परतावं लागते आणि पहिला धक्का एकोणतरीत आपण पहिला दहा या धावसंख्येवर दिला जातोय.
हा पाहतोय मोठा धमाका, आदित्यच्या बॅट मधून येतोय मॅक्सिमम ह्यूज हाय अँड हँडसम षटकार. हे सर्वात लांबच लांब षटकार पाहिलाय आपण, आणि ही चर्चा या खेळाडूची केली होती मी, कारण की हा खेळाडू जरी मैदानामध्ये नुसता उभा जरी राहिला ना क्रीज मध्ये, तरी त्याची एक दहशत आहे. त्याचं कारण आपण पाहतोय की त्याची बॅटिंग काय त्याने दाखवून दिलंय. शेवटचा चेंडू या दुसऱ्या षटकामध्ये, यावेळी पूर्णपणे रोल केलं होतं बॉडीला, स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून फटका आला तर नक्कीच क्लिअर करायचा होता, मात्र तितके यश मिळालं नाही. मात्र एक धाव जरूर मी इथे एका धावींची धावसंख्या पाहिली आपण फलकावर पाहतोय, आपण 18 धावा 18 रन्स आपण पाहिला. तर ज्या प्रकारे 1 विकेट लॉस, 2 षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 39 आपण बघितला, 9 च्या सरासरीने 18 धावा, अजून सुद्धा 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. मात्र 12 चेंडूमध्ये किती धावा येतात हे सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळेल. नक्कीच या पुढच्या षटकाला होती या सुरुवात, आणि त्या षटकामध्ये नक्कीच धावतं समालोचन घेऊन येतील आणखीन एक या विभागातील नामवंत समालोचक म्हणजेच मिस्टर पंढरी कडू. केला जात आहे अपीलमध्ये आत्मविश्वासाची कमी यावेळी पाहायला मिळाली. पंचांकडून नक्कीच चांगलं डिसिजन या स्पर्धेमध्ये अजूनपर्यंत पाहायला मिळत आहे. जेश 11 नवगर आणि रॉयल मराठा वर्तकनगर या दोन संघादरम्यान सामना आपण पाहतोय. त्यावेळी फटका चांगला आहे, दिशा निवडलाय चांगली, चेंडू जाईल नक्कीच 1 बाउन्स सीमारेषेच्या बाहेर चौकार. आपण पाहायला गेलात तर 28 धावा या धावपळकावरती लागल्या जात आहेत. धावा येणं गरजेचं आहे, कारण या स्पर्धेमध्ये जर आपण पाहायला गेलात तर 98 धावांचा उच्चांक होता पहिल्या दिवशी आपण पाहिला होता. भरपूरस रेकॉर्ड्स या स्पर्धेमध्ये लागले गेलेत. पहिल्या दिवशी जर आपण पाहिलात तर नरेंद्र भारती आणि आकाश रिपट
या दोन फलंदाजांच्या बॅटमधून हाफ सेंचुरीज पाहिल्या होत्या. कालच्या दिवसामध्ये अय्युब शेख या फलंदाजाच्या बॅटमधून हाफ सेंचुरी पाहिली होती. तर धावा या मैदानामध्ये येत असतात, मात्र धावा करणं हे गरजेचं आहे. ज्यावेळी तुम्ही क्रिकेटमध्ये खेळत असता त्यावेळी क्रिकेटमध्ये फुटवर्क हे खूप महत्त्वाचं असतं आणि ते फुटवर्क घेणं नक्कीच. यावेळी पाहतो आपण फलंदाज अक्षय सोनी आणि आदित्य शेट्टी. आदित्य शेट्टी याची बॅटिंग आपण पाहतोय. विस्फेडक खेळ यावेळी फटका फसला आहे लॉंग रन रिझनमध्ये. क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय सोपा असा जेव्हा टिपला जाईल आणि फलंदाज अक्षय सोनी या फलंदाजाचा खेळ संपला जातोय. मार्गवर जुगेश, आदित्य शेट्टी आपण पाहतोय. यावेळी फलंदाजी साडी स्ट्राईक एंडला फुलटा चेंडू होता पिरकावून दिला लॉंग ऑन रिझन मध्ये. क्षेत्ररक्षक आहे. एक सिंगल मिळाली जाईल आणि एका सिंगलने धावफलक रिव्ह्यू दिला जाणार नाही तुम्हाला. रिव्ह्यू दिला जाणार नाही आहे. पंचांचा निर्णय अखेरचा असेल याची नोंद घ्या. पंचांवरती कुठली तुम्ही दबाव करू शकत नाही. चला अंपायर डिसिजन विल बी फायनल डिसिजन याची नोंद घ्या. तुम्ही अंपायरवरती कुठलाही दबाव टाकू नका प्लीज. विनंती असेल दोन्ही संघांना. सुंदर डिलिव्हरी होती. या पहिलाच चेंडू आपण जोगेशचा आपण पाहिला होता. एक सिंगल मिळाली आदित्यला एका सिंगलने. धावपळक जर आपण पाहायला गेलात तर अग्रीमेंट करायची नाही आहे पंचांशी. पंचांचा निर्णय हा अखेरचा असेल याची नोंद घ्या. कुठलाही अग्रीमेंट तुम्ही पंचांसमोर करू शकत नाही कारण खूप अनुभवाने पंच भरलेले आहेत. दोन्ही पंच एका साईडला आपण पाहतो आशुतोष सर आणि यावेळी बा फटका चांगला आहे. क्षेत्र निवडला पाहिजे मात्र कुठला षटकार. या सहा धावा या सहा धावेने धावपळक धावपळकावरती लागला जातोय. 36 रन 36 धावा. सनी याच्या बॅटमधून आपण हा पाहतो षटकार. 36-36 जावा या धावपळकावरती लागल्या जात आहेत. चार षटकांचा सामना आहे. शेवटचा षटक आपण पाहतो आणि शेवटच्या षटकामधले चेंडू उर्वरित शिल्लक असतील चार. चार चेंडूमध्ये पाहायचं किती धावांचं टार्गेट सेट केलं जाणार आहे. तो म्हणजेच रॉयल मराठा वर्तकनगर टीम समोर. कारण एका साईडला नोगर टीम आपण पाहतोय. आदित्य शेट्टी याच्या बॅटमधून एक चांगले फटके पाहायला मिळाले होते. यावेळी सनी आपल्या फलंदाजीमधला पहिला चेंडूचा सामना करत असताना एक उत्तुंग षटकार त्याही फलंदाजाच्या बॅटमधून आपण पाहतोय.
त्यावेळी थोडीशी नक्कीच दिशा भरकटली जाते, कारण आउटसाइड द लेग स्टंप पंतांचा इशारा. यस, वाईट शेंडू अवांतर धाव संख्येमध्ये भर मिळाली जाते आणि अवांतर धावेने एक धाव ही धावपळकरती जोडली जाते. अंतिम दिवस मेगा फायनल डे रामरती देवी स्मृती चषक 2024 यावेळी फटका चांगला आहे. जबरदस्त फटका कव्हरच्या क्षेत्रामधून केलेला हा जबरदस्त 6 धावा. फोर्टी थ्री रन 43 धावा. धावपळ करते लागले जात आहेत. चुके थोडस महागडे ठरलं जातं या षटकामध्ये, कारण या षटकामध्ये फटका येत. येस, डीप मिड विकेट रिझन मध्ये उत्तुंग षटकार या 6 धावेने धावपळ. जर आपण पाहायला गेलो तर 49 धावा या धावपळ करते लागल्या जात आहेत. आता मात्र ज्या प्रकारे आपण पाहायला गेलो तर एक चांगला हा सेमी फायनल मध्ये प्रवेश करतो. आजच्या दिवसामध्ये पाहणं गरजेचं असेल, कारण आज जर आपण पाहिलं तर अजूनही सेमी फायनलच्या संघाचा शोध इथे चालू आहे. नेदर चेंडू हाताळला जातोय गोलंदाज जुगेशच्या माध्यमातून. हा पहिला नेदर चेंडू या षटकामध्ये आपण पाहतोय. त्यावेळी पुन्हा एकदा कार्पेटच्या दिशेने चेंडू येतोय डीप काऊ कॉर्नर रिझन मध्ये. रवी बुंबक शत्ररक्षण करतो, फेकी करेल. तोपर्यंत पाहायला गेलं तर आपण फलंदाज धावचीच्या रूपाने इथे पंतांचा बोट आकाशाकडे वळला जातोय आणि पहिला डाव इथे संपला जातोय. पहिल्या डावाच्या किती धावपळ आपण पाहायला गेलं तर 50 धावा या धावपळ करती लागल्या गेल्यात आणि 51 धावांचा आव्हान दिला गेलाय तो म्हणजेच रॉयल मराठा वर्तकनगर टीमला. घेऊया थोडीशी विश्रांती, मात्र थोडस कॉइन बॉक्स मध्ये थोडस चेंजेस केला जाईल, कारण आज या प्रेक्षकांना खुश करण्यासाठी नक्कीच आज बाबूश आहेत आणि त्यांचा आवाज हा तुमच्यापर्यंत पोहोचला जाईल. धन्यवाद सर, निश्चित रूप से आपका भी तारीफ करना चाहेंगे. तो चलिए 51 रनों की टारगेट से कहते ना अपने शीशा का महल तो बना लिया लेकिन जमाना पत्थर का है. कितना भी रन बना लो टेनिस क्रिकेट में ये चौके छक्के का खेल है और देखते हैं इस खेल में किसकी जीत होती है किसकी हार होती है. ये तो आने वाला वक्त है, समय बताएगा. इसके बाद की बात करेंगे विश्वास इलेवन कलवा टीम के कप्तान तैयार रही है. यहाँ से जीतने वाली टीम के बीच में मुकाबला होगा, सेकेंड राउंड का दूसरा मुकाबला. और यहाँ टारगेट की बात करेंगे 51 रनों की टारगेट है, लेकिन देखते हैं ये टारगेट कितना आसान बनेगा कितना मुश्किल बनेगा. ये तो आने वाला वक्त समय बताएगा, क्योंकि अक्सर कहते हैं ना रात में फूल को भी पता नहीं होता है.
सुबह होते ही मंदिर जाना या कब्रिस्तान जाने तो ये मैच कहाँ पहुंचेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। चलिए दोनों बैटर उतरे मैदान पर, समय की बात करेंगे, समय देखिए बड़ा तेजी से भागता हुआ यहाँ से, लगभग देखिए 3:15 बज चुके हैं और शाम देखिए बात करेंगे और 3 घंटा बात करेंगे, वक्त बचा है और 3 घंटे के अंदर देखिए हमें आज का दिन का देखिए इसके बाद है 2 मैच और उसके बाद एक सेमीफाइनल और एक फाइनल्स यानी और 4 मैच कवर करना है। तो चलिए यहाँ पर 51 रनों के टारगेट से और यहाँ जहाँ पर रॉयल मराठा देखिए बात करेंगे, वर्तक नगर टीम देखिए यहाँ पर टॉस जीते थे पहले, फील्डिंग चुने थे और जस्ट 11 से नवगढ़ टीम ने देखिए यहाँ से अच्छा बल्लेबाज ही रहा यहाँ पर शुरुआत के बल्लेबाज, बात करेंगे अक्षय ने यहाँ पर एक चौके दागकर 8 रनों का इनिंग्स खेले, लेकिन उसके बाद आदित्य ने देखिए बात करेंगे यहाँ से 20 रनों का इनिंग्स खेले और उसके साथ सनी ने जो जाकर आकर 19 रनों का इनिंग्स खेल दिए ताबड़तोड़ 5 गेंदों के पर और जिसमें 3 छक्का था और वही मैच को देखिए बदला अंतिम ओवर में। एक आज का दिन का बात करेंगे हाईएस्ट स्कोर देखने को मिला है, लेकिन देखते हैं टारगेट को क्या यहाँ से कबूल करते हैं। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल कहा जाता है, धूप छाव के जैसे रंग बदलता रहता है। एशियन जी कहते हैं ना, जब तालाब में पहले पानी भरता है ना तो मछलियां पहले चींटी को खाती है और वापस जब तालाब में पानी सूखता है फिर चींटी मछली को खाती है, यानी मौका दोनों को मिलता है, बस उस मौके का इंतजार होना चाहिए। अब देखते हैं 51 रनों के टारगेट से और ये टारगेट कितना आसान बनेगा कितना कठिन बनेगा ये आने वाला वक्त समय बताएगा। दोनों सलामी बल्लेबाज की बात करेंगे तो यहाँ से और पहली गेंद के ऊपर देखिए जंग कैलान से यहाँ पर 1 बाउंस के साथ चौका देखिए आता हुआ, इसे कहते हैं पहली नजर में दिल नहीं चुराया दिल जलाया, क्योंकि टेनिस क्रिकेट का हर खिलाड़ी कहता है ओ लाले यहाँ तो सवे दिल जले। नजर में पहला गेंद में देखिए दिल चला या चौके के साथ है और उसके बाद देखिए और एक बड़ा हिट फंस गए, इसे कहते हैं मच्छर ने आपको काटा ये उसका जुनून था और आपने खुजलाया ये आपका सुकून। पिछली गेंद के पर चौके दागी बैटर का था जुनून और इस बार गेंदबाज को मिलता हुआ सुकून। विकेट गिरता हुआ और क्रिकेट का दस्तूर तो यही है भाई, तू शेर तो मैं बब्बर शेर, और बैटर देखिए यहां से आउट होते हुए राहुल कश्यप देखिए थोड़ी सी नाखुश रहेंगे, शॉट सिलेक्शन देखिए बहुत बढ़िया था लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए यहां पर।
फ्लाइट किया था, आमंत्रण दिया था, एकदम से लेंथ को आगे रखा था और शायद यहाँ पर जो एलिवेशन देना चाहिए थे वो नहीं मिल पाया इस गेंद में और गैप नहीं मिला यहाँ पर। बहुत बढ़िया, देखिए चौका खाने के बाद विकेट। तो चलिए गेंदबाज फिर से एक बार होंगे तैयार, छोटी रनअप के साथ है। बहुत बढ़िया काम देखिए अभी तक करते हुए। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, फुल लेंथ देखिए यहां पर खराब गेंद था यहां पर जिसका फायदा पूरी तरह से नहीं ले सके। एक रन आता हुआ सिंगल से देखिए स्कोर आगे पहुंचेगा, लेकिन सिंगल डबल से काम तो चलेगी, बातें नहीं बनेगी भाई। कहते हैं ना किताबों में धूल लगने से कहानियां खत्म नहीं होता है और एकाक चौकी आ जाने से भाई मैच कंप्लीट नहीं हो जाता है। अभी आपको 51 तक पहुंचना है तो कहीं ऐसा कठिन रास्ते से आपको गुजरना होगा। देखते हैं यहां से, कहते ना रास्ता भी जिद्दी है मंजिल भी जिद्दी है, देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है क्योंकि दोनों टीम भी बड़े जिद्दी हैं। अभी 5 रन आया है और मैंडेटरी पावर प्ले, देखिए पहला ओवर में रन नहीं आता है तो फिर थोड़ा दिक्कत बन जाएगा। ओ किनारा लिया था, भाग्य का बहुत बड़ा साथ और सिंगल आता हुआ, बाल बाल बचे यहां से, बहुत अच्छी गेंदबाजी होता हुआ। देखिए सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा, कहते हैं ना कौवा कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले वो सफेद नहीं दिखेगा। आप सिंगल डबल से कितना भी कोशिश कर लो आपको मंजिल नहीं मिलेगा, मंजिल तक पहुंचने के लिए रोने से मंजिल नहीं मिलता है, थोड़ा हौसला दिखाना होगा यहां से। कहते हैं ना संघर्ष का राज जितना अंधेरा होता है सफलता का सूरज। और ये चलिए यहां पर बहुत बढ़िया टाइमिंग एलिवेशन, देखिए लाजवाब रहा, यही तो बात की संघर्ष का राज जितना अंधेरा रहता है और सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकता है। समाप्त होने के साथ साथ है टीम का स्कोर बात करेंगे तो यहां से 16 रन बनाए हैं और यही काम करना होगा। कहते हैं ना पीठ दिखाओगे तो मौत पाओगे, सामना करोगे तो जीत पाओगे, जो बेहतर संघर्ष करेगा वो इस मुकाबला को जीत पाएगा। चलिए ज्यादा समय मत लीजिए, नो टीम मीटिंग, खेल जिंदगी का हो या खेल क्रिकेट का हो, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला टक्कर का हो। यहां पर बात करेंगे राहुल का विकेट गिनने के बाद है, किरण ने अपने कमान को संभाला, 16 रन बनाए हैं, कोई बात नहीं। 51 का टारगेट है, अभी भी 35 की जरूरत है, 18 गेंद 35 की जरूरत है। नई गेंदबाज की बात करेंगे, बहुत बढ़िया देखिए आज टेनिस क्रिकेट देखिए पूरे महाराष्ट्र में जिस रफ्तार से चल रहे हैं जय सर, शायद उतनी रफ्तार शोएब अख्तर की गेंदबाजी में भी नहीं थी। बहुत बढ़िया देखिए यहां से, अभी भी देखिए 35 की जरूरत है और आने वाले देखिए गेंदबाज करेंगे ना 18 गेंद से ऐसे। कहते हैं ना मेहनत इतना करो कि किस्मत भी कहेगा बेटा ले ले ये तेरी अमानत है, और जो बेहतर मेहनत करेगा इस मैच को जीत पाएगा, क्योंकि किस्मत में जो लिखा रहता है वो तो मिलता है लेकिन मेहनत से आपको और कुछ मिल जाता है। अगर ये मैच आपके किस्मत में ना भी हो, अगर मेहनत आप डालो तो किस्मत भी कहेगा बेटा ले ले ये तेरी अमानत है।
मेहनत के आगे देखिए हर कोई झुकता है। और ये चलिए हवा में गेंद है, फील्डर्स गेंद के नीचे है, यहाँ पर बढ़िया कैच लेते हुए यहाँ पर एकदम से देखिए बात करेंगे बैटर्स से, कल्याण का देखिए बात करेंगे, छक्का लगाने का मन था लेकिन शॉर्ट सिलेक्शन में एलिवेशन थोड़ा सा कम था। डीजे ये यहां से देखिए हर टीम आते हैं कि उन्हें ट्रॉफी चाहिए लेकिन कहते हैं ना ट्रॉफी तक अगर पहुंचना है। नए बैटर की बात करेंगे जुगेश, देखिए यहां से राहुल का विकेट गिरा लेकिन उसके बाद देखिए कल्याण सुनने पर तो चलिए ओके धन्यवाद डीजे। तो चलिए यहाँ से बात करेंगे एक चौका आता हुआ, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं ये दोनों बैटर की बात करेंगे। किरण के साथ देखिए आते ही मैदान पर जुगेश ने देखिए थोड़ा रंग में आते हुए स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 20 रन। और एक बार देखिए यहाँ पर ओ काउ कॉर्नर पर फील्डर तैनात हैं, जब तक इन वापस आता तब तक देखिए पहला रन दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन आखिरी समय में यहाँ पर इनकार किया। ये भी अच्छा सोच है, बड़ा नौकर बनने से बेहतर छोटा सा मालिक बन जाओ, हर गेंद के पर चौके छक्के लगाने से बेहतर कभी कभी सिंगल डबल। कहते हैं ना महलों में जाकर गुलामी करने से बेहतर झोपड़ी में राजा बन जाओ, क्योंकि बड़ा हिट कर खेलने जाओ तो कहीं आउट का मौका भी बन सकता है कैचेस का, लेकिन सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करते रहिए। बड़ा नौकर बनने से बेहतर छोटा सा मालिक बन जाओ, किसी की महलों में जाकर गुलामी करने से बेहतर खुद की झोपड़ी में राज करो। टोटल देखिए जाकर पहुंचाए 21 रन, क्योंकि सिंगल के साथ देखिए यहां पर बचेंगे और लड़ेंगे राज और करेंगे यहां से। बहुत बढ़िया देखिए यहाँ से समीकरण से, अरे चलिए यहाँ पर किरण देखिए यहाँ से अच्छी की गेंद बल्ले पर आ रही है, इस बार ज़्यादा बल्ला घूम गया, शॉर्ट पॉइंट तैनात था यहाँ पर एक रन से रोका गया। समीकरण की बात करेंगे तो अभी भी देखिए 13 गेंद 29 की जरूरत है। कहते हैं ना हजार फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, और एकाक अच्छी इनिंग की जरूरत है इस टारगेट तक पहुँचने के लिए, और यहां से गेंदबाज भी चाहेंगे एकाक सफलता की जरूरत है उन्हें पूरी तरह से मैच में वापसी आने के लिए। दोनों टीम का सोच यही रहेगा, यहां पर चाहेंगे बैटिंग वाले टीम की कुछ और रन जुड़ जाए और फील्डिंग वाले टीम चाहेंगे कि यहां से एकाक विकेट गिर जाए, लेकिन देखते हैं बाजी कौन मार जाता है। कहते ना झूला जितना आगे भी जाता है ना उतना पीछे भी आता है, अगर एक तेरी तो एक मेरी, ये तो क्रिकेट का पहचान है। गेंदबाज तैयार है ऐसे, अरे चलिए भाई यहाँ पर सीधा खेला गया, फील्डर से वहां पर एफर्ट लाजवाब करे, यहाँ पर फील्डर की तारीफ करना चाहूंगे, यहाँ पर और रनआउट का मौका था। राहुल थे देखिए, अगर डायरेक्ट थ्रोइंग का लगता तो फिर मुझे 2022 T20 वर्ल्ड कप का याद आ जाता, जो केएल राहुल का डायरेक्ट हिट लिटन दास को रनआउट हुए थे। मैच रुका था, बारिश के बाद मैच शुरू हुआ था, हिंदुस्तान एकदम से हार के कागर पर थी लेकिन केएल राहुल का डायरेक्ट हिट उस मैच को बदल दिया था। तो यहाँ पर देखिए राहुल वही निशाना दागने चाहते थे,
लेकिन वो साल कोई दूसरा था, ये साल कोई दूसरा है। अभी देखिए समीकरण की बात कर लेंगे, यहां से 12-27 की जरूरत है। चलिए नोट टीम मीटिंग, ज्यादा समय मत लीजिए, फाइल खोला रखिए, कितना समझाया जाए नहीं समझेंगे। तो चलिए ये देखिए आयोजक कमेटी बता रहे हैं, फिर एक फील्डर आपको अंदर लेना पड़ेगा तीसरा ओवर के बाद। ग्रामीण कहा जाए तो मुझे लगता है 11 कैप्टन मैदान के अंदर, टॉस डालने एक कप्तान आता है, लेकिन चर्चा 11 के बीच में होता है, इसलिए ग्रामीण कहा जाए तो 11 कप्तान नहीं, इसके साथ गांव में भी कप्तान है बहुत कुछ। हारने के बाद वो भी सलाह देते हैं, जीतने के बाद वो भी सलाह देते हैं, पूरा गांव ग्रामीण कहा जाए तो पूरा गांव आपके साथ। तो चलिए आपके समर्थक देखिए यहां से, क्राउड देखिए उतना तो खचाखच नहीं है, लेकिन फिर भी एक मुकाबला को सनसनी बनाने की यहां पर ताकत दिए हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन यूट्यूब और बहुत सारे देखिए टूर्नामेंट खेला जा रहे हैं, नौकरी धंधा जॉब हर चीजों को लेकर चलना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी देखिए कई समर्थक देखिए हर टीम के साथ जुड़े हैं। चलिए 12-27 और ये चलिए भाई यहाँ पर किरण देखिए बड़ा हिट खेलना चाहते थे मिड विकेट स्काउ कॉर्नर के ऊपर से, लेकिन गेंद थोड़ा रुक कर आया। टेनिस गेंद देखिए हमेशा वक्त लेकर आता है और बल्ला थोड़ा जल्दी ले लिए। एस एन जी यहाँ पर बात करेंगे ना, टेनिस क्रिकेट देखिए एक ऐसी चीज है, इसलिए बैटर ज़्यादातर बैकफुट पर खेलते हैं। हम कहते हैं फुटवर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, फ्रंट फुट पर क्यों नहीं जाते हैं, जाना भी जरूरी है, लेकिन ज़्यादातर बैकफुट में इसलिए खेलते हैं कि ये गेंद थोड़ा रुक कर टप्पा खाकर आती है, और वो उसके अंदर आपकी काबिलियत बॉटम है वो उतनी मज़बूत होना चाहिए, बैकफुट से आप बड़े तभी खेल सकते हो। अगर आपके पास उतना ताकत कलाई मजबूत नहीं तो फिर बैकफुट से खेलना आसान नहीं रहता है। ये देखिए फ्रंट फुट से जाकर खेला गया हवा में गेंद, और ये देखिए भाई क्या देखते हैं, डिसीजन आता है बहुत नज़दीकी मामला, बहुत करीब जाकर गेंद को। गेंद को रोका शायद यहां से, अगर कैच लेते तो फिर छक्के के लिए चले जाते थे। अच्छा सोचे बचेंगे तो और लड़ेंगे, कितना रन भाग कर लिए, एक ही रन लिए, ये क्या कर रहे थे भाई, देख रहे थे, दिखने वाले को उतना मिलता है, करने वाला जितना छोड़ देता है, कोशिश करने वाला जितना छोड़ देता है उतना ही आपको देखने को मिलता है। अब समीकरण की बात करेंगे, अभी देखिए गेंद बचा है 10, नया डेड बॉल देखिए यहां से, दस गेंद अब 25 की जरूरत है। कहते ना क्रिकेट खेल कोई खेल नहीं बच्चे का, और जिसमें तेल निकलता है अच्छे अच्छे का, आसान नहीं रहता है ये खेल, आपको लगता है आसान ये, चलिए हवा में गेंद है, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए यहां पर ओ कैच छूटा यहां से, कहीं गार्डन में फूल खिलने से पहले बकरी ना खा जाए, ट्रॉफी तक पहुंचने से पहले कहीं सपना ना टूट जाए, क्या छोटा और उसके साथ है दो रन भी जाता हुआ, थोड़ा गेंदबाज नाखुश रहेगा यहां से, इतना आसान तो कैच नहीं था, लेकिन मुश्किल भी नहीं कहा जाता है, इसलिए तो कहा जाता है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी यूं ही नहीं बदनाम हुई थी भाई, और गेंदबाज भी यूं ही नहीं बदनाम होता है, कहते हैं ना शराब तो यूं ही बदनाम है, असली नशा तो मोबाइल में है, गेंदबाज तो यूं ही बदनाम है, खराबी जब फील्डिंग में हो। इस बार देखिए बढ़िया कैच, इसे कहते हैं बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी।
कहते हैं ना जिस पे लोग हंसते हैं अक्सर वो इतिहास रचते हैं। और एक बड़ा हिट देखिए यहां से AK-47 चरण। छक्का खाने के बाद बता दिए भाई, ना हम अमिताभ ना हम दिलीप कुमार ना हम किसी हीरो के बच्चे, हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय। गणेश कैच लेते हुए गणेश बता रहे हैं भाई उजाला मिल जाए अपनी टीम को, मैं अपना घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा। जो कि देखिए अभी तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, एक साझेदारी बन रही थी, लेकिन उस साझेदारी को तोड़ने में कामयाब रह गए। यहाँ से गेंदबाज बात करेंगे तो यहाँ से शुभम देखिए, यहाँ से अब देखिए गेंद रह गई 5 और जीत के लिए चाहिए 17। क्या बढ़िया कैच लिए गणेश भाई, इसे कहते हैं आंखों से सुरमा नहीं आंखें चुरा लेना। अब 5 गेंद 17 की जरूरत है। समीकरण की बात करेंगे, ये मैच अब कांटों का हो चुका है, दर्शकों की धड़कने बुलेट ट्रेन जैसे धक 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 धक। और जो कोयला को कोहिनूर बना देती है। चलिए जीतू दादा पटेल देखिए स्क्वायर लेग अंपायर करते हुए, और ये चलिए खराब गेंद, फायदा नहीं ले सके यहां पर, नो बॉल, अंपायर का कॉल देखिए नो बॉल। ओहो बहुत बढ़िया से देखिए गलती हो गई, इसके बाद फ्री हिट रहेगा भाई। कहते हैं ना खाया गुटका और फोड़ा मटका, अब लगेगा 420 का झटका, ठीक है फ्री हिट का गेंद रहेगा। बहुत बड़ी गलती यहां से, 1+1 2 रन आ चुका है। अब समीकरण की बात कर लेंगे, 5 गेंद रहेगा और वही देखिए 15 की जरूरत है, 5-15 पहला बीमर, अगर दूसरा बीमर आता है ना फिर गेंदबाज को तो देश नहीं छोड़ना होगा विजय माल्या के जैसे, लेकिन गेंदबाज ही छोड़ना पड़ सकता है।
और ये चलिए फ्री हिट का गेन है भाई, कैच लिया गया लेकिन इससे बैटर आउट नहीं। इसलिए तो कहते हैं ना, खिला हुआ फूल वापस खिलता नहीं है और बुढ़ापे में जवानी वापस आता नहीं है। हर गेंद पे आपको फ्री हिट मिलता नहीं है। खाओ पियो भील ना चुकाओ। लेकिन अब रह गया गेंद, देखिए बात करेंगे, चार और जीत के लिए चाहिए 14 की जरूरत है भाई। कहते ना कौवे के चोंच मारने से पहाड़ में सुराग नहीं गिरता है। अगर ये मैच है करीब लेकर जाना है तो एक बड़ा हिट। बैटर देखिए विकी, कहते ना जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस मैच को जीवित रखने के लिए एक बड़ा हिट, क्या ये काम कर पाएंगे? अरे ये चलिए बड़ा हिट तो नहीं है लेकिन ओ क्या बात है, पैर से गेंद को रोक लिया भाई, लाजवाब। यही तो गलती गब्बर ने किया था, ठाकुर का दो हाथ काटा था, पैर छोड़ा था। तो चलिए समीकरण की बात करेंगे, हाँ बोलता हूँ। तो चलिए समीकरण की बात करेंगे। यहाँ से देखिए गेंद बचा है दो और जीत के लिए 11 की जरूरत है, 10 की जरूरत है। एक सेकंड थोड़ा अंपायर रुकिए, थोड़ा कैलकुलेशन बराबर कीजिए भाई, 11 की जरूरत है। दो गेंद 11 की जरूरत है। मैच कांटों का हो चुका है, दर्शकों की धड़कने भाई बुलेट ट्रेन के जैसे धक धक थक थक, थक थक, थक थक। और ये चलिए भाई ये छक्का आता रंगा था, रंगा था आला मैच। क्योंकि अब समीकरण की बात करेंगे तो भाई एक जरूरत है, क्या किसी ने सोचा था मैच ऐसा बन जाएगा? ग्रुप पानी में आग लगेगी और पत्थर पिघल जाएगा, पत्थर पिघल जाएगा, पत्थर पिघल जाएगा। सकता है चेन्नई सुपर किंग और जो गुजरात के बीच में मैच हुआ था भाई, रविंद्र जडेजा ने छक्के के साथ चौके में मैच को फिनिश किया था। जो है दिल में उसे बता कर देखो, चाहत को अपने सीने पर लगा कर देखो, अगर बनना है गुरु रविंद्र जडेजा तो फिर एकाक और छक्के लगा कर देखो। एक गेंद अब 5 की जरूरत है, कंपलसरी 5 रन। ये कैसा फील्डर लगा दिया भाई, टांगा पलटी घोड़ा परार। थोड़ा लय भंग करेंगे लेकिन बैटर तो शर्मे का पन पाल नहीं है भाई, तालियां बजने चाहिए अंतिम गेंद के पर। एक गेंद 5 की जरूरत है, क्या यहां से मैच को फिनिश कर पाएंगे? ये देखिए भाई रविंद्र जडेजा की याद दिला दी भाई, यहां से क्या तूफानी बल्लेबाजी, यहां पर ले जाएंगे, ले जाएंगे ट्रॉफी उठाकर, ले जाएंगे, रह जाएंगे, रह जाएंगे, देखने वाले देखते रह जाएंगे।
फटाफट पोस्टर निकला हीरो, इस मैच का मैन ऑफ द मैच राधे राधे।